इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ 80 मिलीग्राम वेट, तो मतलब उसका जो डब्ल्यू दिया हुआ है पेंडुलम का, जिसे आप एमजी बोलते हो, वो कितना है? 80 मिलीग्राम वेट है। इसे आप क्या लिख सकते हो? 80 मिलीग्राम वेट को आप लिख सकते हो 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम वेट। अगर मैं इसे किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब ये बन गया किलोग्राम वेट। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन। वैसे 9.8 होता है, बट ये आपने क्या लेते हैं, 10 न्यूटन लेते हैं। तो यहाँ से डब्ल्यू कितना आ जाएगा? डब्ल्यू अगर अपने 1 kg वेट की अगर मैं 10 न्यूटन रखूँ तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ न्यूटन। दूसरा हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए कितना कि इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कितना लगेगा, एफ ई। एफ इज इक्वल टू कितना होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁸, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? 20,000 की उन्हें। तो यहाँ से आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ न्यूटन। अब हम कहेंगे कि एक पेंडुलम है जो लटकाया गया है, ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल बना रहा है, मान लो ऊर्ध्व जो वर्टिकल है उससे एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका एमजी फोर्स तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और स्ट्रिंग में आ जाएगा टेंशन जो कि वर्टिकल से कितना एंगल दिखा देते हैं, थीटा, और ये मान लेते हैं उस पर क्या आ गया, क्यू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स आ गया। तो अगर इसका एक कंपोनेंट करूँ तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी कोस थीटा, टेंशन का कंपोनेंट कर दिया, इधर टी साइन थीटा। तो इस टी का कोई मतलब नहीं बचा क्योंकि इसके हम कंपोनेंट कर चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये जो फोर्स है एफ ई वो क्या किसके बराबर है, टी साइन थीटा के बराबर है। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, डब्ल्यू। डब्ल्यू जिसे हमने क्या बोला है, एम जी बोला है। तो यहाँ से स्क्वेयर करके ऐड करेंगे, तो स्क्वेयर करके ऐड करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि एफ ई का स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू का स्क्वेयर का रूट। तो एफ ई आपने कैलकुलेट कर लिया, डब्ल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो एफ ई कितना आ जाएगा, 16 × 10⁻⁸ प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 64 × 10⁻⁸। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁴, तो बाहर आ जाएगा, और ये 80 रूट के अंदर आ जाएगा, जिसे सोल्व करने पे क्या मिल जाएगा, 8.8 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो आंसर चला जाएगा थर्ड। थैंक यू।